अब तक आपने देखा कैसे नसीर रामा को देशद्रोही साबित करने में सफल हो जाता है तथा आचार्य महाराज श्री कृष्णदेवराय से रामा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। महाराज के दिए फांसी के आदेश से रामा दुखी हो जाता है। तब महाराज और तिमारसु उसे एकांत में बुलाकर उनके प्रपंच का खुलासा करते हैं, किंतु शहंशाह बाबर के खतरे से विजयनगर की रक्षा करने रामा आगरा जाने का निर्णय करता है। अब आगे जाओ जी, जाओ भीतर प्रवेश करो और पंडित रामाकृष्णा को मिलने वाले फांसी के दंड की दुखदाई व्यथा का वर्णन अच्छे से करो। वो क्या है कि इतनी दुखदाई बात हम अपने मुख से निकाल नहीं पाएंगे। वाह गुरुजी, आप किसी का जीवन दुखदाई बना सकते हैं किंतु किसी को बता नहीं सकते। शिष्य तुम सुनाओगे, वो सुनेंगे और हम देखेंगे क्या उनकी मुख का जब अकल्पित पीड़ा से उनके आंसू निकलेंगे तब हमारा हृदय शांति का रसपान करेगा। जाओ। गुजर गए, इसीलिए ये रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं? अगर लाते वाले दलाते लोते तो हमें भी लोना ही पड़े दाला। बेटे तुम क्यों लो ले हो? हम क्यों रो रहे हैं? हे भगवान, ये मूर्ख जीवन पर्यंत मूर्खी। अम्मा पूछ रही हैं क्या वो बुड्ढा गुरुवर चल बसे क्या? अगर ऐसा है तो अम्मा ने जो मौन व्रत रखा है वैसे ही वो लाठी का भी मौन व्रत रख लेंगे। जिस इंसान को मारने का सबसे ज्यादा मन करता था अब वही नहीं रहा तो नहीं, नहीं। खंडी पुरुष को इतनी शीघ्र अपने पास बुलाने का जोखिम तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। इतना भयंकर सोचते हो हमारे विषय में? आचार्य प्रणाम, आप यहाँ? रामा, रामा, हमारे रामा। रामा, रामा यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो थोड़ी भी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा तो जितनी चाहो कर सकती हो, परंतु पंडित रामाकृष्ण लौट कर आए तब ना। आए, कैसी मुस्कान रहती थी चेहरे पर, ऐसी ऐसी मुस्कान जिसके पीछे विजयनगर की समस्त समस्याएं समा जाए। अब वो बेचारा स्वयं ना जाने कहां समा जाएगा। प्रभु, हम तो राजगुरु होकर भी तुच्छ प्राणी हैं, परंतु आपने तो कुछ सोचा होता। ये भी कोई आयु है किसी अच्छे व्यक्ति के चले जाने की? प्रभु क्या किया प्रभु? गुरुजी, हाँ? गुरुजी इतना झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि यमराज यमलोक से सीधा या प्रकट होकर आपको जीवित ही उठा ले जाए। गुरुजी, वैसे भी आपके पाप का घर कब का भर चुका। अम्मा कह रही है रात भर सोए नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ बात क्या है। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दरबार कब से जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। अच्छा, आपको तो पता ही होगा महाराज स्वयं कुछ नहीं करते, केवल आदेश देते हैं। आदेश?
आदेश महाराज ने, फांसी का आदेश महाराज ने तो दिया। किसको? पंडित रामा कृष्ण को। ये आदेश देने से पूर्व पंडित रामकृष्ण की आंखों में विजयनगर के प्रति प्रेम दिखाई नहीं दिया। महाराज ये भी भूल गए कि पंडित रामकृष्ण कितने बड़े भक्त हैं मां के। महाराज ने इस बात की भी अवहेलना की। आए पंडित रामकृष्ण, सब कुछ लूट गया मां, सब कुछ लूट गया। आचार्य आप यहाँ, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कोतवाल, हम समझ गए तुम पंडित रामकृष्ण के विषय में सूचना देने आए हो। नहीं। अच्छा, उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद लेके जाएंगे? अरे नहीं। अच्छा समझ गए, पंडित रामकृष्ण ने अपनी अंतिम इच्छा रखी होगी, उसे पूरा किया जा रहा हो। अरे नहीं। अरे क्या हुआ फिर? ना फिर वो फांसी देने वाली जल्लाद के पेट में गड़बड़ हो गई क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पंडित रामकृष्ण की फांसी रद्द हो गई है। ये पंडित रामकृष्ण फांसी से भी बच गया। हाँ, अवश्य महाराज को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले आया होगा। उन्हें पंडित रामकृष्ण का राजद्रोह का पर्दाफाश करेंगे और स्वयं अपनी आंखों के सामने पंडित रामकृष्ण को फांसी पर चढ़ाएंगे। गुरुजी शांत रहिए, पंडित रामकृष्ण तो फांसी से बच निकला है, परंतु अम्मा के घर में घुसकर अम्मा की लाठी से बच के निकलने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो। हाँ अम्मा, इसकी कोई अद्धी थी अद्धी तोड़कर मुझे दे दो, मैं अपनी दंती बांध दूंगा। इसकी एक तो क्या, मैं सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। अम्मा अम्मा बस करो, देखो तीनों हाथ हमारे हो गए। अम्मा, एक माँ के एक लौते पुत्र को फांसी पर चढ़ाओगे और ये माँ कुछ नहीं करेगी? कोतवाल ले जाओ इन्हें, इनकी उपस्थिति से मुझे मेरा घर अपवित्र नहीं करना। अभी लेके निकलता हूँ, चलो चलो चलो। आओ, आओ आओ आओ, चलो जा रहे हैं अम्मा। अम्मा गए, ये देखिए गए। रामा, ये सब क्या हो रहा है? बता दो। बस राजद्रोही, हम पंडित रामकृष्ण को फांसी का दंड सुनाते हैं। हे लामा, इतना सब कुछ हो गया तो अब? आगरा से एक गुप्तचर छुपकर विजयनगर आया था, मुझे नहीं पता कि उसकी मंशा क्या थी, किंतु अब मैं आगरा जाऊंगा सुल्तान बाबर से मिलने, और वो भी छुपकर नहीं। क्या क्या? परंतु क्यों, आपको वहां जाने की क्या आवश्यकता है? लामा, दिन रात विजय निकल के आसपास घूमता रहता है, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी बहुत दिन होते तुम मुझे कहीं बाल धुमाने नहीं ले जाए, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तुझे महाराज ने तो फांसी पर नहीं चढ़ाया, परंतु तूने स्वयं अपनी बुद्धि को फांसी पर चढ़ा दिया है। आगरा जाने की बात कर रहा है, यदि कहीं जाना ही है तो उठा लो। क्या उठा लो? वो थैली उठा लो और जाओ जाके बाजार से सब्जी ले। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं जाऊंगा। चलो एक खेल खेलते। अभी आगरा जाने की बात कर रहे थे, अब खेल खेलना है? हाँ माँ, खेल ऐसा है, मैं प्रश्न पूछूंगा तुम उत्तर दोगी, मैं तुम्हें उत्तर देने में तुम्हारी सहायता करूंगा दो दो विकल्प देकर, तुम उन दोनों विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनकर मुझे बताना, वो भी केवल तीन क्षणों में। उसके पश्चात जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगा। ठीक है, तैयार? बताओ, माँ या पुत्र? माँ।
प्रेम या धन? प्रेम। हृदय या मस्तिष्क? हृदय। सम्मान या वैभव? सम्मान। ईमानदारी या छल कपट? ईमानदारी। देशभक्ति या आत्मरक्षा? देशभक्ति। हाँ, यही तो सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुख से अम्मा। जब तुम्हारी सीख, तुम्हारा पालन पोषण सही है तो मेरा निर्णय कैसे गलत हो सकता है? कौन सा निर्णय? आगरा जाने का, सुल्तान बाबर से मिलने का निर्णय। नितिन लामा, अभी तो तूने बोला कि तू नहीं जाएगा। सुना है बहुत निर्दयी, खूंखार, खतरनाक राजा है। उनसे तो भय को भी भय लगता है, इतने भयानक है। दूसरे राज्य से जब दरबारी आते हैं तो उनका स्वागत सूली पर उल्टा लटका के करते हैं, और आप उनके पास जाना चाहते हैं। शारदा, हो सकता है तुम्हारी बात सत्य हो, किंतु मेरे लिए देशभक्ति से ऊंचा स्थान आत्मरक्षा का नहीं है। और अभी अभी अम्मा ने भी तो यही कहा ना, और मैं इसी माँ का पुत्र हूँ। अम्मा, कैसी माँ हो? अपने पुत्र को मौत के मुंह में भेज रही हो? जा जाके आरती की थाल लेकर आ। अम्मा, रामा को जाने दे, वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वो सत्य कह रहा है। सदैव ही अपने जीवन से पहले अपने राज्य को चुनता है, उसी में उसे शांति मिलती है। विजयनगर पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, यदि वो बादल बरसे तो सर्वनाश हो जाएगा, इसीलिए उसे अपना कार्य करने दे। हाँ शारदा, मत करो मेरी चिंता, कुछ नहीं होगा मुझे। अम्मा का आशीर्वाद है ना मेरे साथ, और उस माँ का भी, माँ काली का, उसका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। मैं सुरक्षित रहूंगा। चल, तू जाकर तैयारी कर, मैं तेरे कपड़े बांध देती हूँ, और हम जाकर आपके लिए भोजन बना देते हैं। और मैं गोले का प्लावन कल कल आता हूँ। हे माँ काली, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद मुझे ऐसा परिवार देने के लिए। और शहंशाह बाबर आ रहा है, पंडित रामाकृष्ण। हमारे खाने में कंकर, हमें कंकर और पत्थर पसंद है, लेकिन मैदान है जंग में, दुश्मनों को चटाने के लिए, खुद खाने के लिए नहीं। कौन है वो खानसामा? बुला उसे। वो शाही खानसामा जहां अपना आप जो तुर्की से 10 साल पहले उन्हें अपने साथ लाए थे, मैं पता करता हूँ कि शायद इस बार उनके किसी शागिर्द ने खाना ना बनाया, गलती हो गई हो। अच्छा, हाथ धुलाओ। दुरुस्त फरमाया आपने, शागिर्द से गलती हो गई होगी, दुरुस्त फरमाया। जनाब, आप तशरीफ रखिए ना। झापना वो रखिए तशरीफ। जी जनाब। जनाब के लिए एक तश्तरी कंकर पेश किए जाए। और कंकर पेश किए जाए, रखो इनके सामने। कंकर खाइए और बताइए हमें कि हमारी सल्तनत के कंकरों का जायका कैसा है। जाफना गुस्ताखी माफ। जाफना, किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? अरे खाइए खाइए,
हमने कहा खाइए। जाओ बना माफी। हे भगवान, आज इस सन की बुढ़िया के लठ ने हमारी भेंट यमराज से कराई दी थी। इस पंडित रामाकृष्णा के विषय में तो बाद में सोचेंगे। सर्वप्रथम उस लाठी का कुछ प्रबंध करना होगा। हाँ गुरुजी, आपने अपने पूरे जीवन में अब तक इतनी बार मंदिर का घंटा नहीं बजाया होगा जितनी बार आज उस अम्मा ने आपको अपनी लाठी से बजाया है। इतनी मार खाने के बाद भी गुरुजी आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आगरा का गुप्तचर भी वो भी झूठा निकला और पंडित रामाकृष्णा पे जो भी आरोप थे वो भी झूठे निकले। अब कौन सच्चा कौन झूठा पता ही नहीं, और पंडित रामाकृष्ण पता लगाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? आगरा, मुगल दरबार के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हाथ में आई वो अफसर की रेत इसलिए हमारे हाथों से फिसल गई क्योंकि वो गुप्तचर हमारे हाथों से निकल गया था। यदि वो गुप्तचर हमारे हाथों में आ जाता तो ज्ञात हो जाता सही क्या है और गलत क्या है। परंतु गुरुजी, हमने तो उसे 6 आंखों और 6 कानों से सुना था। मेरा कहने का तात्पर्य है गुरुजी, 2 आपकी 2 इसकी और 2 मेरी, 2 आंखें और 2 कान हुए ना 6 हैं? तो फिर सब गलत कैसे हो सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। समझने का प्रयत्न कीजिए गुरुजी, अन्यथा दिन प्रतिदिन महाराज का विश्वास पंडित रामकृष्ण पर आप पर अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शीघ्र कुछ कीजिए गुरुजी, वरना कुछ करने लायक नहीं रहेंगे आप। हाँ गुरुजी, अब आप देखिएगा, पंडित रामकृष्ण तो जाएगा आगरा और उस गुप्तचर को पकड़ेगा। ओ शहंशाह बाबर भी रामा की बुद्धि के सामने बुद्धू ही साबित होगा। हे भगवान। कुछ भी कह ले मनी, परंतु पंडित रामकृष्ण के तो दोनों ही हाथों में लड्डू होंगे। इधर विजयनगर में महाराज कृष्णदेवराय को सूचित करेगा और महाराज से उपहार पाएगा, और उधर आगरा में शहंशाह बाबर को भी विजयनगर की जानकारी देगा और मुगलिया दरबार में भी पुरस्कार पाएगा और सम्मानित होगा। हाँ, एक आप ही तो थे जो पंडित रामकृष्ण का पर्दाफाश कर सकते थे, उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकते थे, परंतु आप छोड़िए, जाने दीजिए। परंतु क्या? गुरुजी, आपका बूढ़ा मस्तिष्क थोड़ी दूर तक तो सोच पाता नहीं, आगरा जितनी दूर कैसे सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। इधर आओ, इधर आओ। हम सोच रहे हैं कि हमें आगरा जाना चाहिए। यदि पंडित रामकृष्ण सच में बाबर का गुप्तचर निकला तो आगरा में हमें उसके विरुद्ध ठोस सबूत मिलेगा। बस उसके पश्चात हम पंडित रामकृष्ण से अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। हमारा या पंडित रामकृष्ण? याद से खाना खाना और प्रतिदिन खाना खाना। उठा लो शारदा, तुम हर दिन कहती रहती हो ये उठा लो वो उठा लो, अब जाते जाते क्या उठा लो? हमारे हाथ से ये सूची उठा लो। सूची? इतनी लंबी सूची? मुझे लगा तुम मेरे जाने के वियोग से रो रही हो, किंतु तुमने तो मुझे इतनी लंबी सूची थमा दी। इतनी लंबी तो आगरा तक की यात्रा भी नहीं है शारदा महोदया। ने सोचा अब आगरा तक जा रहे हैं तो हमारे लिए सारी वस्तुएं ले आए, संभल कर लाइएगा। है तुम्हें मेरी तनिक भी चिंता नहीं है? नहीं, आप स्वयं को तो संभाल ही लेंगे, और इतना ही डर लग रहा है तो मर जाइए ना, हम आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करेंगे। आप बस ये सारी वस्तुएं ले आइएगा। जी बहुत अच्छे। कुन्नप्पे, अब इस घर का एकमात्र पुरुष तू ही है,
अम्मा शारदा को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, उनकी रक्षा करना, सताना मत इन्हें। हला माँ जा, तू लाठी की रक्षा कर, मैं इन दोनों की रक्षा करूंगा। ला दे दे वस्त्र दे। चलता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.